Hello everyone, welcome to our page College Tutor and I am Muskan Khandelwal. In this video, we are going to talk about IIM Indoor College, which is a very most reputed and very important college. In this video, we will talk about admission process, eligibility, which exams accepted, what placement criteria is, this video. In case you guys are preparing for an MBA exam, then this is the platform from where you can get proper guidance to crack the exam. So these are the different courses which are available on the screen, and also this GradeUp is offering you some special discount. Along with that, we are offering you additional 5% discount, and the code for that is college60, which is college60. So to download this app, the link is given below in the description box. Do download it and hurry up to avail this discount. So let's start with the video. Ab agar main isme IIM ki baat karun, to ए बी सी के बाद मतलब कि अहमदाबाद बैंगलोर चेन्नई के बाद जो मोस्ट रेप्यूटेड IIM में आते हैं वो यही दो कॉलेजेस आते हैं, एक लखनऊ का एक इंदौर का. तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, लीडर इन द फील्ड. इसको लीडर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन भी माना जाता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 आने के बाद इस कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया है. साथ में यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ की जाती है पढ़ाई करने के लिए, लेटेस्ट टेक्निक, लर्निंग रिसोर्सेज. और ये कैंपस 193 एकड़ कैंपस है, जो कि काफ़ी ह्यूज एक नंबर है. इसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, विच इज़ PGPM, जिसको हम PGP जनरल भी कहते हैं, एंड द अदर वन इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन HRM. ये दो कोर्सेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बट इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ये कराते हैं, जो इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट वो कुछ कोर्सेज हैं ये वाले. एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव, एंड IPM करके भी एक इनका कोर्स होता है, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि आप आफ्टर क्लास 12th कर सकते हैं. तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं. देन वी हैव एलिजिबिलिटी फॉर PGP एंड PGPHR. अब अगर फ्रेंड्स में एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो इनकी एलिजिबिलिटी अगेन सेम है जो यूजुअल हम ऑलमोस्ट सब कॉलेज के देख चुके हैं. दैट इज कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. 50% मार्क्स आपके होने कंपलसरी हैं ऑन योर बैचलर्स डिग्री, जो भी डिग्री आपने की है. अगेन अगर आपके कोई यू नो रिजर्व कैटेगरी में हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे आपको 45% मिनिमम आपको परसेंटेज चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अगेन अगर आप फाइनल ईयर में भी हो और अगर आपको अप्लाई करना है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो. कैंडिडेट और ऑल्सो अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, अवेटेड है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो एग्जाम. देन वी हैव कैट एग्जाम. कैट एग्जाम यहाँ पे ये कंडक्ट करता है. नो सेपरेट फॉर्म रिक्वायर्ड टू फिल. अगर आपने एक बार PGP या फिर PGP HRM के लिए फॉर्म भर दिया गया है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुके हो, तो आपको कोई और फॉर्म भरने की नीड नहीं है. देन वी हैव एडमिशन प्रोसीजर. अब अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ, तो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर. कैट स्कोर के बेसिस में हम यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट, एंड ऑल्सो जो 10th और 12th की जो भी इनका क्राइटेरिया है 10th और 12th के बेसिस में, उसके बेसिस में भी ये लोग सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को. तो ये फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटर्न एबिलिटी टेस्ट. अब यहाँ रिटर्न एबिलिटी टेस्ट होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द COVID-19 सिचुएशन, कि COVID-19 की सिचुएशन कैसी है. और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड द फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर यू नो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर, जिसमें हम ये सारे के सारे को स्कोर को कॉम्पोजिट करेंगे. परसेंटाइल फॉर शॉर्टलिस्टिंग, कितना मिनिमम परसेंटाइल आपको चाहिए अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है. तो ये कुछ मिनिमम परसेंटाइल यहाँ पे गिवन है, कि हर कैटेगरी की मैंने दी है, हर चीज़ के हिसाब से क्वांटिटेटिव एबिलिटी, DILR विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड अगेन वी हैव वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. इनके बेसिस में मैंने आपको रैंकिंग दी है आपकी कैटेगरी वाइज. तो ये मान के चलिए ये मिनिमम आपको, मतलब इतना मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए होगा ऑब्वियसली. जो एग्जैक्टली जो एक्चुअल आएगी कट ऑफ, वो थोड़ी डिफर करेगी, बट ये मिनिमम आपको इसके ऊपर चाहिए, तभी आपका यू नो इस क्राइटेरिया को मीट कर पाओगे और अप्लाई कर पाओगे, और साथ मतलब यू नो सेटिस्फाई कर पाओगे. देन वी हैव पैरामीटर्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर VAT एंड BI. अब कैसे कैसे है यहाँ पे इन लोगों ने कैट का, अगर ओवरऑल स्कोर की बात करूँ, तो मैं सिर्फ 20% के मार्क्स को यहाँ पे वेटेज दी गई है. क्लास 12th के मार्क्स को 40%, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज नंबर. क्लास 10th में भी काफ़ी अच्छा नंबर इन्होंने वेटेज दे रखी है, विच इज 34%. देन डाइवर्सिटी फैक्टर में 6% है.
तो इसको मिला के ये टोटल 100% लेते हैं, और अगर वैट नहीं हुआ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये इनका पैरामीटर होता है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट. पैरामीटर्स फॉर फाइनल सिलेक्शन फॉर पीजीपी, कैसे कैसे पीजीपी में कैसे फाइनल सिलेक्शन होता है, कैसे कैसे वेटेज दी जाती है. तो कैट स्कोर के बेसिस में 20% देते हैं, क्लास टेंथ में 10% वेटेज, अगेन क्लास टेंथ में यहाँ पे 10% वेटेज है. वैट की 20% है एंड पोस्ट इंटरव्यू विच इज 40%, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज नंबर. तो यहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ में करना होगा, पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस करना होगा. तो ये यहाँ पे आपका वो है फॉर फाइनल सिलेक्शन. और यहाँ पे की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि यहाँ पे कोई भी वेटेज नहीं दी जाती है, नो वेटेज इज गिवन टू द, उनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे नोटिस किया कि उनकी कोई भी वेटेज नहीं दी जाती है गिवन टू वर्क एक्सपीरियंस एंड स्कोरिंग बैचलर्स डिग्री, उसके बेसिस में ये लोग नहीं देते हैं कोई भी यू नो वेटेज, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. देन वी हैव फाइनल सिलेक्शन फॉर एचआरएम. एचआरएम का अगेन कैट स्कोर 10%, क्लास 10th 12th के मार्क्स 15%, एंड अगेन क्लास 10th की भी 15% वेटेज ली गई है. वैट का 20% है एंड पर्सनल इंटरव्यू का 50% वेटेज है. तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एचआरएम. एंड फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ और फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, पर देखिए पीजीपी की जो हमारी फीस जाती है वो अराउंड 22 लाख आराम से चली जाती है. 22 लाख जाने के बाद अगर पीजीपी एचआरएम की अगर मैं बात करूँ तो 18.50 लाख है. मिसलिनियस एक्सपेंस अगर आप एक्स्ट्रा मान के चले कि इतना एक्सपेंडिचर आपका होता है एक्स्ट्रा, तो कम से कम 2 से 4 लाख हो जाता है. तो ये आपका कुछ टोटल एक्सपेंडिचर कट ऑफ बेसिकली फी स्ट्रक्चर है. ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो अवेलेबल होती है उन लोगों के लिए जिनको नीड होते हैं, जिनको नीडी स्टूडेंट्स को उनके लिए स्कॉलरशिप गिवन है. साथ में लोन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ईजिली आपको लोन मिल जाता है. ओके, बट बिफोर दैट अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ में यहाँ पे कट ऑफ एक्चुअली वेरी करती रहती है. कट ऑफ में मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो यू नो डिपेंड करते हैं, इस पर डाइवर्सिटी पे भी डिपेंड करते हैं, बट मेजरली यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो आराम से 97-98% जाती है. तो इतना आप लोग मान के चलिएगा कि आपको इससे ज़्यादा ही नंबर चाहिए तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा. दिस इज द मिनिमम परसेंटेज, बट बाकी ये वेरी करती है. देन अगर मैं यहाँ पे आपको समर प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये कुछ समर प्लेसमेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं समर प्लेसमेंट एवरेज स्टाइपेंड जो है यहाँ पे 1.8 लाख गया है, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे हमारा स्टाइपेंड गया है. हाईएस्ट स्टाइपेंड जो गया है वो INR 3.2 लाख विच इज एक्चुअली गुड. राइज इन मीडियम स्टाइपेंड 9% है. इंक्रीज इन स्टाइपेंड फॉर द टॉप 100% 4% इंक्रीज हुआ है टॉप 100 स्टूडेंट का स्टाइपेंड. और न्यू रिक्रूटर्स 70+ और कंपनीज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती है विच इज 190+. देन वी हैव बैच प्रोफाइल. ये बैच प्रोफाइल 2018 टू 2020 का है. आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हर फील्ड के यहाँ पे, यू नो सारे तरीके के स्टूडेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, IT, मैकेनिकल, मेडिकल, मेटोलॉजी, फिनेंस, केमिकल, सिविल, हर तरीके की यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी. ऑल्सो यहाँ पे जो अगर मैं जेंडर डाइवर्सिटी की बात करूँ तो 40% फीमेल है और 60% मेल है. तो दिस इज वॉट अबाउट बैच प्रोफाइल 2018-2020. देन वी हैव वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन. वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि लेस देन 1 ईयर में भी आपका 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हर तरीके के बच्चे अवेलेबल हैं. 1 to 2 ईयर के 40% लोग हैं एक्सपीरियंस वाइज. 2 to 3 ईयर के अगेन 12% है. 3 to 4 ईयर्स के अगेन 16% एंड मोर देन 4 ईयर में 12%. तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छी है, हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे. और यहाँ का जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है वो है 22 मंथ्स. ये आपको एक की पॉइंट ध्यान रखना है. साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, MBA कैंडिडेट विद वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 50% है और MBA कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे 41% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. वर्क एक्सपीरियंस डजंट मैटर, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, उसके बिना भी आपको एडमिशन हो सकता है. सेक्टर वाइज वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्टर वाइज कैसे कैसे अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है यहाँ पे हर स्टूडेंट का. ये डेटा में आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा. IT सेक्टर का बहुत ज़्यादा है, लाइक 17%. तो ये हमारा वर्क एक्सपीरियंस है सेक्टर वाइज. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 22 मंथ वर्क यहाँ पे एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है. अब ये है 2020 की प्लेसमेंट. प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज CTC जो गई है वो यहाँ पे INR 22.92 लाख पर एनम, तो भी बहुत अच्छी है. यहाँ पे एवरेज CTC बहुत है. हाईएस्ट CTC भी बहुत ज़्यादा गई है, लिख सकते हो 50 लाख पर एनम. तो इट्स नॉट अ वेरी बैड नंबर, इट्स एक्चुअली अ गुड नंबर. तो ये यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट है जो लग जाती है, जैसे कि 23% ऑफर इन फाइनेंस रोल्स,
50 प्लस फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, 160 प्लस कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट में आती है, तो ये प्लेसमेंट का डेटा है आपके पास। अगेन अगर मैं देखूँ तो एवरेज सीटीसी में कितना परसेंटेज राइज आया है, तो वह 10.24 परसेंटेज राइज आया है यहाँ पे आपका। साथ में हाईएस्ट जो हमारा INR हाईएस्ट सीटीसी जो गया है वो है 50 लाख पर। टॉप 100 स्टूडेंट के अंदर अगर आप आते हो तो भी आपकी सैलरी पैकेज जो जाता है वो 32.90 लाख पर एनम का आता है। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड नंबर, नॉट अ बैड थिंग। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी अगर आप 18-20 लाख रुपये खर्च भी कर रहे हो आपके 2 साल में, तो आपका बहुत ईजिली कवर भी हो जाएगा। फाइनल प्लेसमेंट 2021 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी जो गया है वो है 56.80, हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी इज 41.40 लाख एंड एवरेज सीटीसी इज 23.60। दिस वॉज अबाउट फाइनल प्लेसमेंट। तो ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, एज पर द रिपोर्ट्स ऑल द 579 स्टूडेंट्स ऑफ पीजीपी एंड आईपीएम गॉट प्लेसमेंट ऑफर्स। जितने भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे उन सबको हमारा प्लेसमेंट ऑफर्स मिल चुका है यहाँ पे। सो दिस वॉज अबाउट द IIM Indore। मे बी आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी सॉल्व हो गई हो, सारी क्वेरीज आपके मैंने सॉल्व करती हूँ, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।